सो गाइस, दिस इज़ द मार्केट ऑफ हल्द्वानी, सरस मार्केट। हम लोग जा रहे हैं आज पैदल पैदल, साथ में जूता और पोता, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से सरस मार्केट से, और हम लोग जा रहे हैं, साथ में पोता है और पीछे हमारी उमता है। सो उमता ने आज एक्सचेंज किया अपने कुछ जो पुराने कुछ चीज़ें थी उसको एक्सचेंज किया और नया चीज़ दिया। अभी हम यहाँ आए हैं बर्तन की शॉप, ये हम आए हैं बर्तन की शॉप्स में, और दीदी को लेना है बर्तन स्टैंड। सो हम हल्द्वानी में बर्तन स्टैंड के लिए जा रहे हैं। मेरी बेटी ने अपने पुमा को पकड़ रखा है, एज यूजुअल हम लोग चले जा रहे हैं, और हम ये भैया को फॉलो करते हुए जा रहे हैं उनके पीछे। अपनी शॉप में बोल रहे हैं वो, सीढ़ियों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी घंटी, और ये है दीदी को लेना है स्टैंड। सो गाइस, यू कैन सी दिस, ये है जिसमें अपने बर्तन सजा के रखेंगे, देख सकते हैं ना, छेड़खानी कर रही है आप, देखिए मेरे पीछे देखो। हाँ, ये से तो आप लोगों को प्राइस मिलते हैं स्कूल में, ये देखो जो उर्दू के प्राइजेस मिलते हैं वो सब यहाँ से ले जाती है उर्दू की। मेरे साथ चल रही है ये सारी खरीदते हुए जा रही है, और हम खरीदवाएंगे स्टील का वेट, तब पता चलेगा कि कितने का घूमता का चूना लगेगा, अभी पता चलेगा। वो बहन देगी चूना के लिए, बहन की ओर से गिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे बहन गिफ्ट कर रही है बर्तन का स्टैंड, पेमेंट करेगी ये, है बहन का प्यार, बहन का प्यार। बर्तन लेने हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ये हमारे देखिए कितने स्मार्ट से हैं, और ये सबको इतने अपनी हंसी से इम्प्रेस कर रहे हैं। सो आपको अगर कोई भी बर्तन लेना है, सो गाइस प्लीज आप यहाँ आइए, बर्तन लेने हैं तो अमर बर्तन भंडार में आइए, और ये भैया लोगों को देखे कितने मुस्कुराते चेहरे दिखेंगे आपको। ये देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, अमर बर्तन भंडार। तो हमने फाइनली बर्तन स्टैंड खरीद लिया है, और हम आगे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं मेरे लिए कॉटन का पैजामा खरीदने, और हमको दीदी स्पॉन्सर कर रही है, दीदी हमारे स्पॉन्सर, दीदी की पहचान हल्द्वानी की स्टोर। और मेरी दीदी को देख सकते हैं आप, वो अपने बर्तन को कैसे पीछे से उठा के ला रही है स्टैंड को, और उसने बचाए हैं पूरे 2000 रुपये। सो गाइस प्लीज़ अगर आपको लेना है तो आप यहाँ आके विजिट करिए, ये देखिए कैसे उठा के ला रही है वो, आज लेबर भी खुद है वो। इनका पैजामा ढूंढने हैं पूरे मार्केट में, पर हमको नहीं मिल ले रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लगे हुए ढूंढ रहे हैं मार्केट में, सब कैसे बैठे हुए हैं। जब जब थोड़ा कराओगे नया फिर मामा का ट्रांसफर हो जाएगा ना। यहाँ की दंग गलियों से हम निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं दंग दंग गलियां हैं यहाँ पे, जो स्पेशलिस्ट है वही इन मार्केट्स में शॉपिंग कर सकता है। अब दीदी ले जा रही है हमें अपने साथ, हम जा रहे हैं दीदी को फॉलो करते हुए, दीदी को फॉलो करते हुए। ये देखो दो बच्चे खड़े हैं, और बड़ी दीदी को देख सकते हैं आप अपना स्टैंड भोगते हुए आ रही है, और फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ। मम्मा बैठे हैं यहाँ उत्तू के लिए, हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं फुटवेयर, और आप देखिए भी दिखाते हैं आपको कैसे फुटवेयर परचेज कर रहे हैं। फाइनली उत्तू के लिए कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे, और उत्तू का चेहरा लटक गया है, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। शाम के बज चुके हैं 7, और हम लोग मार्केट में निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप सब कितनी जल्दी में रहते हैं आज के ज़माने में। आप देखिए फिर मास्क ऊपर करो, क्या लेना है, चलो बिना के लिए पैजामा ले रही है, देख सकते हैं आप
पूरा ट्रायल मारा जा रहा है। और यार, और ये भैया की दुकान में हम लोग ढूंढ रहे हैं और पैजामे छाट रहे हैं अच्छे से। दीदी कला बोल मुझे दीदी पूरा छाट पकड़ कर रही है। हर व्यक्ति अपने में इतनी जल्दी में देखे आप आइए शॉप। ये है यहाँ का प्रसिद्ध सालू साई शिव मंदिर। कम से कम 200 साल पुराना मंदिर। तो ये है हल्द्वानी का बाजार और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और सामने देख सकते हैं ई रिक्शा। अब ऐसा है कि हम तो रहने वाले गांव वाले हुए और यहाँ देख सकते हैं आप कितना रश है यहाँ पे। हल्द्वानी में भी अब इतना रश होने लग गया है, ई रिक्शा वगैरह इतने ज़्यादा जाम लगना शुरू हो गया। जनरल स्टोर